हेलो फ्रेंड्स, अब मैं चैन देख रहे हैं एनिमी हेल्प टीवी और आज के वीडियो में बात करने वाले एक बहुत ही पॉपुलर एनिमी सीरीज के बारे में जिसका नाम था बियॉन्ड द बाउंड्री। किस एनिमी सीरीज को देखने के लिए सबसे बेस्ट वॉच ऑर्डर क्या होगा? बिकॉज इस एनिमी सीरीज के कुछ स्पेशल एपिसोड, कुछ ओएन एपिसोड्स और कुछ मूवीज रिलीज हुई थी स्टोरी के रिलेटेड है, लेकिन मोस्टली एनिमी फैंस को पता नहीं होता जिसकी वजह से उसे स्किप कर देते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा इस एनिमी सीरीज के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे इसके सीजन वन से जिसका नाम था बियॉन्ड द बाउंड्री। ये रिलीज हुआ था अक्टूबर 3, 2013 को। इसके अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की लेंथ होने वाली है 24 मिनट। साथ साथ इस सीजन को रेटिंग मिली थी 8.75 की और ये सीरीज का फर्स्ट सीजन बनता है। तो सीजन वन देखने के बाद अब इसके कुछ ओएन एपिसोड देखेंगे जिसका नाम है बियॉन्ड द बाउंड्री आइडल ट्रेलर। ये ओएन सीरीज रिलीज हुई थी नवंबर 18, 2013 को। इसके अंदर आपको टोटल 5 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की लेंथ होगी 8 मिनट। साथ साथ इस ओएनए सीरीज को रेटिंग मिली थी 6.56 की और ये फैन बेस बनाए गए हैं। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं, वरना ये स्किपेबल भी हैं। तो इन ओएनए एपिसोड्स देखने के बाद आप इसके कुछ स्पेशल एपिसोड देख सकते हैं जो इसका एकदम ऑफिशियल है इसके स्टोरी के रिलेटेड, जिसका नाम है बियॉन्ड द बाउंड्री मिनी गाइजो। ये एपिसोड रिलीज हुए थे जून 8, 2014 को। इसके अंदर आपको टोटल 7 एपिसोड देखने को मिलेंगे। हर एपिसोड की लेंथ होगी 6 मिनट। साथ साथ इस स्पेशल एपिसोड सीरीज को रेटिंग मिली थी 6.87 की। तो इन स्पेशल एपिसोड्स को देखने के बाद अब इसकी फर्स्ट मूवी देखेंगे जो इसकी स्टोरी की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेटेड है, जिसका नाम है बियॉन्ड द बाउंड्री आई विल बी हर पास्ट। ये मूवी रिलीज हुई थी मार्च 14, 2015 को। इस मूवी की लेंथ होगी 1 आवर एंड 22 मिनट। साथ साथ इस मूवी की रेटिंग मिली थी 7.72 की और ये काफ़ी लोगों ने मूवी पसंद भी की थी और इस एनिमे की स्टोरी की बहुत ही रिलेटेड है, तो आप ये मूवी ज़रूर देखेगा। तो फर्स्ट मूवी देखने के बाद आप इसकी सेकंड मूवी देखेंगे जो इस एनिमे सीरीज की सबसे पॉपुलर मूवी है, जिसका नाम है बियॉन्ड द बाउंड्री आई विल बी हर फ्यूचर। ये मूवी रिलीज हुई थी अप्रैल 25, 2015 को। इस मूवी की लेंथ होने वाली है 1 आवर एंड 30 मिनट। साथ साथ इस सीरीज को रेटिंग मिली थी 8.18 की और ये सम ऑफ द बेस्ट एनिमे मूवीज में इंक्लूड होती है। एक काफ़ी पॉपुलर मूवी रही थी एनिमी हिस्ट्री में, जिसकी वजह से एनिमी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, तो आप ये मूवी ज़रूर देखेगा। तो इसके तमाम टोटल मूवीज़ हैं, स्पेशल एपिसोड्स हैं, ओएन एपिसोड्स हैं और इसके सीज़न हैं। अगर आप इसी पैटर्न से देखेंगे तो आपको एनिमी स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ग्रेट एनिमी को ऑर्डर करता रहूँ। एंड थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।